तक फैला हुआ ये तेलुगु भाषियों का विख्यात वैभवशाली राज्य था। हर हर महादेव, शंभो शंकर, काकतीय साम्राज्य की जय हो। सम्राट गणपति देव की रानी सुमांबा देवी कुछ ही क्षणों में आपके कुलदीपक को जन्म देने वाली हैं। रुद्रेश्वर देव, कन्या के जन्म लेते ही देवगिरी के राजकुमार गद्दी पर बैठेंगे और वो हम पर फिर से अन्याय करेंगे। जब उन लोगों ने हमारे सम्राट को बंदी बना लिया था, तब जो कष्ट हमने भोगा वो नर्क से भी अधिक था। यदि दोबारा ऐसा हुआ तो हम नहीं बच पाएंगे। हमें हमारा युवराज चाहिए। भ्राता श्री हरिहर देव, सुनी आपने प्रजा की गुहार? सम्राट के लिए पुत्र की प्रार्थना कर रहे हैं। कन्या का जन्म हुआ तो तो यही गुहार दुहाई में बदल जाएगी। आपने सत्य कहा प्रभु, गणपति देव की कुंडली में पुत्र संतान का योग नहीं है, जन्म लेने वाली कन्या ही होगी। भूगर्भ के प्राकृतिक खजाने से सप्त बाधाओं का किला पुनः निर्माण के लिए ही जन्मेगी। सप्त माँ के अवतार स्वरूप में तेलुगु देश की रक्षक होगी वो कन्या। कन्या पुरुष की इच्छा और सेवा के लिए ही देवों ने कन्या की रचना की है। केवल रिझाने वाली दासी होती है ये कन्या, वो क्या इतिहास बदलेगी? अरे वो सब बातें छोड़िए, हमारे प्रभु की कुंडली में राजयुग का सुख है कि नहीं वो बताइए। सिंहासन पर बैठने से अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारे राज्य अभिषेक के लिए शीघ्र शुभ मुहूर्त निकालिए। मुरारी देव जी, हमारे सभी सेवकों को तैयार रहने का आदेश दीजिए। कन्या का जन्म लेते ही यदि सम्राट गणपति देव ने खुशी से सिंहासन सौंप दिया तो वो जीवित रहेंगे, नहीं तो उन्हें परलोक भेजना पड़ेगा। आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। प्रभु, घर के भेदी से प्रजा अनजान है और उस बाहर के भेदी देवगिरी के राजा सिंह से डर रही है। अगर वो सिंहासन पे बैठा तो फिर हमारा खेल खत्म खत्म। आप ये साम्राज्य की प्रजा को धमकाओ, बलि देने को विवश करो, उनका साहस तोड़ो, शस्त्रों से आतंक फैलाओ, अस्त्रों से लदे डरावने गजों को मदरा पिला के बदमस्त करो और छोड़ दो प्रजा पर। गणपति देव के यहाँ कन्या का जन्म होना चाहिए। सम्राट के साथ प्रजा भी टूट जाएगी, तब हम उन पर प्रहार करेंगे और तभी हमारी दंड यात्रा प्रारंभ होगी। उस काकतीय राजे को हम अपने दूसरे पोते महादेव को भेंट करेंगे। सैनिकों, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। शुभ संदेश है महाप्रभु, महारानी सुमाम्मा ने एक प्यारी सी कन्या रत्न को जन्म दिया है। आह, अति शुभ संदेश सुनाया आपने। प्रजा किंतु ये नहीं चाहती, वो तो कामना कर रही है कि युवराज हो, किंतु इस समाचार से शत्रु अत्यंत प्रसन्न होंगे। महामंत्री शिवदेव जी, आपके इस शुभ समाचार से पहले ही आक्रमण के संकेत मिल चुके हैं। देवगिरी के शत्रु काकतीय प्रजा का सिर काटने के लिए तलवार तेज कर रहे हैं। सारे संबंधी सामंत सिंहासन पर दृष्टि गड़ाए बैठे हैं, किंतु बिना सुपुत्र के ये सम्राट इस साम्राज्य की रक्षा और कितने दिन कर पाएगा? हमारी प्रजा को फिर से दंड मिलेगा, इस राज्य इस देश के भविष्य का क्या होगा? ये विवाद पुत्र के जन्म ना लेने के कारण ही है ना? आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए प्रभु, पुत्री का जन्म हुआ ये बात मेरी पत्नी मुझे, आपको और महारानी सुमांबा जी को ही पता है। रुद्रदेव के आशीर्वाद से जन्मी इस कन्या का नाम हम रुद्रमा देवी रखेंगे, किंतु प्रजा के सामने इनका परिचय
युवराज रुद्रदेव के नाम से ही करवाएंगे। ऐसा करना क्या उचित होगा? विपत्ति से बचाव के लिए उचित अनुचित भूलना होगा राजन। वो शत्रु केवल प्रजा के ही नहीं, कन्या रत्न के लिए भी शत्रु है। सच्चाई ना बताने में ही भलाई है। दुर्जय कुलवंश दीपक, काकतीय साम्राज्य के होने वाले सम्राट श्री 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 रुद्रदेव युवराज का स्वागत कीजिए। सुन रहे हो, ये जय जयकार जन्म ले ही लिया। इस राज्य के वारिस ने, हमारे शत्रु ने, रुद्रदेव ने। कुंडली मिथ्या नहीं है प्रभु, मनुष्य का जन्म मरण तो देवता के हाथों में है। ओ, देवता के हाथों में, किंतु तुम्हारी मृत्यु हमारे हाथों में लिखी है। जन्म लेने वाले को मारने के बजाय भविष्य बताने वाले को मार दिया। हार पाया पर पहन नहीं पाया। गणपति देव के पुत्र का जन्म हुआ, देवगिरी का एक और शत्रु पैदा हो गया। नाम क्या रखा है? रुद्रदेव। हमारे पिता श्री जैतू के हाथों मरने वाले गणपति के दादाजी रुद्रदेव के नाम पर अपने पुत्र का नाम रखा। दो पीढ़ियों से चली आ रही शत्रुता को वो तीसरी पीढ़ी तक ले जा रहा है। हम कुछ नहीं भूले हैं गणपति देव। हम आक्रमण की तैयारी करें प्रभु? धैर्य में बहुत शक्ति है। पुत्र को पाकर गणपति देव का बल बहुत अधिक होगा। कुछ समय के लिए हमें मौन रहना होगा। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। शत्रु के वारिस को, उस वारिस को अगर इतना सम्मान मिलेगा तो हम कर भी क्या सकते हैं प्रभु। सेनापति, काकतीय के होने वाले सम्राट का जन्म हुआ यही सोच रहे हो? नहीं, नहीं, दिखाई नहीं देता, भूखे शेर की तरह तप रहा है मेरा पोता महादेव। पहले अपने होनहार को सिखाइए कि खंजर नाखून काटने के लिए नहीं होते प्रभु। खंजर से केवल नाखून नहीं काटता हूँ, गर्दन भी काटता हूँ। दादाजी, वो उर्गुल का किला एक दिन हमारा होकर रहेगा और काकतीय साम्राज्य भी। युवराज रुद्रदेव, इतनी छोटी आयु में ही तलवार चलाने की विद्या सीखी आपने। कर्ण के अटूट कवच की तरह ही ये कवच और तलवार आपकी रक्षा करेगी। महामंत्री शिवदेव जी की आज्ञा हमें स्वीकार है। युवराज, शत्रु का सामना करने और राज्य का कार्यभार संभालने की सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं। अब प्रकृति के धर्म और परिस्थितियों का सामना करने की शिक्षा आपको जीवन सिखा देगा। आपका राज्याभिषेक आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। एक शिला नगर के लिए प्रस्थान करें। स्वागतम काकतीय साम्राज्य के युवराज, स्वागतम।
महामंत्री शिवदेव से संपूर्ण शिक्षा दीक्षा लेकर पूरे 14 साल बाद किले में प्रवेश किया है। अपने कक्ष में जाते ही ये हमारे खंजर के प्रहार से नहीं बच पाएगा। पिताश्री को सादर प्रणाम। रुद्रदेव, आपका अभिनंदन करने के लिए आसपास के राज्यों से राजकुमार आए। ये निर्वध साम्राज्य के युवराज चाणूक्य वीरभद्र जी। युवराज, आपके साहस के बारे में गोदावरी के तट पर हमने कई कहानियां सुनी हैं। क्या आप हमारे मित्र बनेंगे? वर्धमान पुरम के पालनहार गौन बुद्धा रेड्डी के सुपुत्र गोना गन्ना रेड्डी। युवराज, सुना आप बहुत साहसी हैं, तो क्यों ना तलवार की धार देख लें? ये आपसे 2 वर्ष छोटे हैं, लेकिन युद्ध विद्या में किसी से भी कम नहीं है हमारे ये गोना गन्ना रेड्डी। तब तो एक एक हाथ होना ही चाहिए। आपकी कुशलता देखकर ऐसा लगता है कि आप ही हमारे सामने खड़े रह सकते हैं गन्ना रेड्डी। गोना गन्ना रेड्डी। चिरंजीवी, आपको शीघ्र ही वर्धमान पूरम लौटना होगा। आपके दादा श्री लकुमाया रेड्डी जी ने आदेश भिजवाया है, चलने की तैयारी करें। चलते हैं युवराज, हम किसी और शुभ अवसर पर अवश्य मिलेंगे। चलिए जायब सिंह जी। गन्ना रेड्डी जी के पिता गोना बुद्धा रेड्डी की अचानक मृत्यु हो गई है। वर्धमान पूरम के लिए बड़ी संकट की घड़ी है। कैसा कष्ट दे दिया प्रभु ने। वीरों को ही कष्ट मिलते हैं। आप यूं ही अपना मन न दुखाएं युवराज। हमारा सुझाव है, आप अपने राज्य में थोड़ा घूम आइए, आपका इससे मन भी बहल जाएगा। आइए चलिए ना। अरे बाप रे, किले से बाहर हमें अनुमति नहीं है दोस्त। अनुमति आपको? युवराज, सब पूछ कर करेंगे तो आनंद कैसे आएगा? महामंत्री शिवदेव जी जान गए तो? उन्हें पता चले इससे पहले हम लौट आएंगे। अब चलिए। जल हमारी ही तरह खुशी से उछल के बह रहा है। बचपन से ही हम इन पेड़ों की छांव में पले बड़े हुए हैं, किंतु आज आपके साथ बता नहीं सकता कितना आनंद आ रहा है। धन्यवाद आप सबका। अरे युवराज जी, इतनी तेजी से भागकर यहाँ कहाँ आ गए? इस शिल्प सुंदरी ने आपको भी मोह लिया ना? शिल्प तो ना जाने कितने तरह के होते हैं, किंतु स्त्री के बदन के उतार चढ़ाव से स्त्री को अद्भुत मूर्ति में ढाल देते हैं। स्त्री को? हाँ, स्त्री को। इस मूर्ति को क्या तराशा है, रति देवी की मूर्ति जैसी। इसके शिल्पकार के हाथों में अवश्य कुछ तो कमाल है। उर्वशी के रूप जैसी, जैसे रंभा, मेनका के मोहक स्वरूप, ऐसी सुंदर स्त्री इस भूमि पर कहीं नहीं मिलेगी। स्त्री? और क्या, ये सौंदर्य, ये सुंदरता स्त्री की नहीं तो क्या हम पुरुषों की होगी? चलिए हमसे स्नान करते। आप खुले में नहाने वाले हैं? हाँ, स्त्रियाँ खुले में स्नान नहीं कर सकती। हम तो युवक हैं, हमें स्नान करने में कैसी शर्म। चलिए चलिए, कपड़े उतारिए। आइए युवराज। Thank you.
संपूर्ण स्त्री जैसी लगती है, किंतु हमें युवक जैसे क्यों पाला? माँ, राजकुमारी, आपका जन्म ही नहीं, आपका पालन पोषण भी एक परोपकार के लिए हुआ है। पग पग पर शत्रुओं के जाल बिछे हैं यहां, उनसे इस जाति, इस वंश, संस्कृति और संपदा को संभालने के लिए यह आवश्यक था राजकुमारी, ताकि कोई भयानक शत्रु इधर आंख उठाकर भी ना देख सके। शातवाहन, इक्ष्वाकु, विष्णुकुंडिन और वेंगी चाणुक्य के बाद आता है हिंदू तेलुगु साम्राज्य, हमारा काकतीय आंध्र महासाम्राज्य। चारों ओर से हमारी सेवा में है देवगिरी साम्राज्य, पांडियन, पूर्वी के लोग और होयसुली की जनता। किंतु कदम कदम पर चचेरे भाई हैं जो घर के भेदी हैं, जो गद्दी हथियाना चाहते हैं। झूठे अधिकार और गंदी राजनीति के इस कुटिल संग्राम में सैनिकों से अधिक हमारी भोली भाली जनता पिसती है। यहां कुलदीपक नहीं बल्कि कन्या रत्न का जन्म हुआ है। अगर ये बात शत्रु तक पहुंचती तो काकतीय साम्राज्य अब तक मिट्टी में मिल चुका होता, हमारे राजा के गले में बंधन होता और प्रजा के पैरों में बेड़ियां, तेलुगु जाति का चमकता सूरज कब का अस्त हो गया होता। निराश और भोली भाली प्रजा के मन में आशा जागृत करने के लिए, तेलुगु जाति के भविष्य के लिए हमें आपके जीवन को नया रूप देना पड़ा। अब तक तो हमने प्रजा को किसी तरह धोखे में रखा है। युवती कन्या को पुरुष बताकर उन्हें और अंधेरे में रखना कदापि उचित नहीं होगा। अब तक हमने बहुत संभाल लिया, अब जो भी परिणाम क्यों न हो उसका सामना करना ही पड़ेगा। सभा में घोषणा की जाएगी, तुरंत इसकी तैयारी की जाए। जाति की रक्षा के लिए आपने जो निर्णय लिया था वो जब तक सफल ना हो जाए हम रुद्रदेव ही रहेंगे। चचेरे भाई श्री हरिहर देव और मुरारी देव के साले नाग देव जी मदमस्त गजराज का सामना करने पधार रहे हैं। कोई हलवा पूरी खाने जैसा आसान समझा था क्या? विशाल एक शिला नगर में इस गजराज पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है। कैसे नहीं है प्रसादादित्य, एक है ना। युवराज रुद्रदेव कितने बलशाली हैं आप भूल सकते हैं, किंतु हम नहीं। वीर हैं वो, तेज है उनमें, महान प्रतापी हैं। ऐसी कई कथाएं सुनी है हमने, किंतु उनका शौर्य अपनी आंखों से किसी ने नहीं देखा, ना ही हम चचेरे भाइयों ने और ना ही इस राज्य की प्रजा ने। हमने युवराज की शौर्यता नहीं देखी। आज इस शुभ अवसर पर भी हमें अपने प्रभु के दर्शन नहीं मिलेंगे क्या? युवराज के साहस को देखकर हम जय जयकार नहीं कर सकते क्या?
प्रभु, अपनी प्रजा की इच्छा का मान रखना ही सम्राट का धर्म है। प्रसाद आदित्य, युवराज रुद्रदेव को बुलाएं। इस औषधि मदिरा से यह हाथी और खतरनाक हो जाएगा। युवराज तो गए काम से। हमारी प्रजा के रक्षक, शत्रुओं के नाशक वीर रुद्रदेव युवराज का स्वागत कीजिए। महामंत्री, रुद्रदेव युवराज तो शेर से कम नहीं लग रहे। कामदेव का कोई रूप नहीं होता, ऐसा किसने कहा गणपांबा? वो देखिए, शौर्य है, सौंदर्य है, हर स्त्री की इच्छा अनुसार गुण है आपके भैया रुद्रदेव में। कन्याएं परेशान न करें, इसीलिए इतने सालों तक बाहर नहीं आने दिया ना युवराज को। मुक्तांबी, कितनी शिकायतें कर रही हैं आप। वो हमारे सगे भाई हैं, किंतु हम भी उनसे केवल 30 त्योहार पे ही मिलते हैं। अंगरक्षक उन्हें ऐसे छोड़कर कहाँ चले गए? और देखो तो सारी कन्याएं उन पर कैसे टूट पड़ी हैं। कोई रोकता भी नहीं उन्हें। वो उन्हें छूने की कोशिश कर रही है, इसकी जलन है या आपने छुपा रही है, इसका दुख हो रहा है। देख रहे हैं ना महामंत्री, युवराज सभी कन्याओं के कितने चहेते हैं। जल्दी से जल्दी इनका विवाह कर देना चाहिए, नहीं तो श्री कृष्ण के पीछे पागल गोपियों की तरह इनके पीछे भी न जाने कितनी कन्याएं पड़ जाएंगी और हमें न जाने कितने राजमहल बनवाने पड़ेंगे। जय हो।
राजा अधिराजा श्री गणपति देवा महादेव वरदा गजराज मुखवीरा दिव्य शक्ति धाम कोटि कोटि प्रणाम जय हो जय हो जय हो गज मुख है गौर सुत है झुके तेरे आगे ये जहां शत्रुगणों को वश जो करे बल ऐसा तुझ में अथाह हिंद की होशान तुम्ही हिमालय की ध्वजा तुम्ही सच है कोई भी ना किसी के आगे तेरी है टीका को भी तुमने शक्ति से अपनी आकाश मंडल में छुपने को बेबस किया गज मुख है गौरी सुत है झुके तेरे आगे ये जहां शत्रुगणों को वश जो करे बल ऐसा तुझ में अथा भटकते हुए हम है राही रास्ता हमें तू दिखा हिंद धरा पे तुम्ही करते हो शासन सदा सबका ही कल्याण करते हमेशा ही जय जय तेरी हो सदा करता है पालन तू चिंता करे हम क्यों फिर ये बता सबका ही हो मंगलम सबको मिले सुखदम सत्य धर्म संगीतम जन्मभूमि की दिंदुनी चौगुनी कीर्ति है तुझे यहाँ गज मुख है गौरी सुत है झुके तेरे आगे ये जहाँ शत्रुगणों को वश जो करे बल ऐसा तुझ में अथाह रुद्रदेव कहाँ है वो कैसा दिखता है हमें नहीं पता था हमारे दादाजी और स्वर्गवासी भ्राता श्री कृष्ण भूपति राजा नहीं चाहते थे इसलिए इतने समय इंतजार किया पर अब हम नहीं रुक सकते पहले हम शत्रु को बुद्धि बल से मृत्यु का भय दिखाएंगे इस देवगिरी से बाहर निकलकर वुरुगुलु के बीच से जाकर पूर्व समुद्र की ओर कृष्णा गोदावरी नदी पर जीने वाली प्रजा ही हमारे लिए उचित हथियार होंगे काकतीय साम्राज्य का जीवन आधार बनने वाली उस नदी की धारा को ही रोक दो बांध बना दो जो आड़े आए उन्हें कुल देवता पर बलि चढ़ा दो पानी की कमी से वैसे भी काल भैरव के पास जाने वाले हैं वो काकतीय वासी अब देखना बिना कुछ किए ये महादेव काकतीय वंश में कैसा तूफान खड़ा करता है रुद्रदेव जय हो बाप रे ये मदिरा इतनी कड़वी क्यों है पानी नहीं मिला है क्या मदिरा पान के शौकीन राजागण क्षमा चाहता हूँ यहाँ प्रजा के पास पीने के लिए पानी नहीं है
तो फिर मदिरा में कहां से मिलाएं? उस देवगिरी के महादेव की चोट की वजह से यहां स्नान के लिए पानी नहीं है। अब तो धोने के काम भी मदिरा से ही करने पड़ेंगे। और क्या, सारी प्रजा भूख प्यास से मर रही है, इतनी बड़ी विपदा आई है यहां, और वहां इस संकट का लाभ उठाकर वो दुष्ट महादेव हमारे साथ युद्ध की तैयारियां कर रहा है। कौन है ये महादेव? काकतीय सिंहासन अगर किसी का होगा तो वो केवल हमारा होगा। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। बेचारी प्रजा के कष्ट को, उनकी पीड़ा को बिना हिंसा के ही बदलना होगा। बड़ी चतुराई से हम रुद्रदेव को महादेव से युद्ध करने के लिए विवश करेंगे। सेना के साथ वो आक्रमण के लिए जाएंगे, जहां तक जाने देना है वहां तक उन्हें पहुंचाकर बीच में ही हम अपने दल बल को रोक लेंगे, और उसके बाद रुद्रदेव मुट्ठी भर सैनिकों को साथ लेकर देवगिरी पहुंचेगा। जहां तक मेरी जानकारी है, देवगिरी पर आक्रमण करने गए अभी तक किसी काकतीय राजा ने वहां विजय ध्वज नहीं फहराया और न ही कोई वापस लौट पाया, और उसी दौरान हम अकेले खड़े इस वुरुकुलु के विशाल किले को हथिया लेंगे। पहले पानी की समस्या ठीक करेंगे, उसके बाद शत्रु से निपटेंगे। ये रुद्रदेव की कोई नई राजनीति है क्या? नहीं, महादेव की कुटिल राजनीति का समाधान है। कष्ट भोग रही प्रजा को भाग्य के भरोसे छोड़कर युद्ध के लिए जाना उचित नहीं समझते। हमें प्रजा के कष्ट जानने होंगे। ओहो, तो क्या पीपल के पेड़ के नीचे फिर पहाड़ पर खड़े होकर ढफली बजा के घोषणा करनी है आपको? अपने अक्षरों पर लगाम लगाओ। हम गांव-गांव जाएंगे, उनकी समस्याओं को दूर करेंगे और उसके बाद युद्ध के बारे में सोचेंगे। छे, काकतीय वंश में ऐसा कायर पुत्र पैदा हुआ है जो युद्ध के नाम से भयभीत हो गया, शर्म आती है हमें। राजा चलकर प्रजा के पास बात करने वाला है, आगे न जाने इस राज्य में क्या होगा, ये सोचकर ही मन दहल जाता है। हम सभासद इसका विरोध करते हैं, हम सभा छोड़ के जा रहे हैं, चलिए। सामंतों की चाल से तो रुद्रदेव बच निकले, परंतु वो एक और बड़ी समस्या में आकर फंस गए। प्रजा के बीच गए तो उनकी असली पहचान सबके सामने आ जाएगी, इस बात की भय किए बिना ही उन्होंने किले के बाहर अपने कदम बढ़ाए। युवराज, यहाँ सूखा पड़ने से हमारी फसलें खराब हो रही हैं। ना खाने को एक मुट्ठी अनाज है, ना पीने को पानी, ये व्यवस्था है हमारी। भूखमरी में मरने से तो अच्छा है कि हम युद्ध में अपनी जान दे दें। हम तैयार हैं मरने के लिए, तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं युवराज? युद्ध अवश्य करना है, लेकिन उसमें मरना नहीं है। केवल अपने वंशजों के सम्मान के लिए उस देवगिरी के महादेव ने नदी की धारा इसलिए रोक दी ताकि हमारी प्रजा को पानी न मिले और वो मर जाए। नदी के पानी को तो रोक लिया, आकाश से बरसने वाले पानी को रोक सकता है क्या? मिट्टी गीली नहीं होगी, फसलें फिर से नहीं उगेंगी। उस बरसात का पानी ही काफी है और उसी से ही हम अपने खेतों में फसल उगाएंगे। उसी को साक्षी बांधकर काकतीय वंश के अनुसार चक्रवर्ती सम्राट के नाम पर गणपति समुद्र, सम्राट के माता के नाम पर ब्रह्म सागर, उनके भ्राता के नाम पर कुंड समुद्र, युवराज के नाम पर रुद्र समुद्र रखकर तालाबों का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। जब गला सूखा हो तब कुआं खोदने से प्यास कैसे बुझेगी? इसीलिए मुचुकुंदा नदी से खोदी गई मूसी नहर और आलेरू नदी से निकली आलेरू नहर में से जितना आवश्यक है उतना पानी उन सबको मिलेगा जिनके व्यवसाय में पानी की कमी हुई है। इस समस्या के सुलझने तक सभी कर रद्द किए जाते हैं। हमारे इन संसाधनों को पूरा करने से पहले युद्ध का उचित समय नहीं होगा, किंतु उसके बाद हम पीछे नहीं हटेंगे। तब तक तुम जीवित रहोगे तो ना? जलाशय नहीं, तुम पहले अपनी समाधि खुदवा लो। केवल पानी ही नहीं, इस धरती को जीवन रहित करके ही दम लेंगे देवगिरी के महादेव जी। जय महादेव महाराज की। जय हो महादेव महाराज की। दुष्ट महादेव के सैनिक हम में शामिल हो गए हैं। Come on!
नहीं रोकोगे तुम लोग? तुम्हारे देवगिरी के सैनिकों के रक्त से हमारा काकतीय साम्राज्य हाथ धोएगा। महादेव जैसे हजारों शत्रु क्यों ना आ जाएं, उनका सामना करने के लिए हमारे रुद्रदेव युवराज अकेले ही काफी हैं। काकतीय के भागीरथी रुद्रदेव युवराज की जय हो। हमारे रुद्रदेव युवराज की शाबाश रुद्रदेव, तुम्हारे जैसे वीर के लिए एक आक्रमण काफी नहीं है। हर कदम तुम पर संकट का पहाड़ टूटना चाहिए, तभी तो शत्रुता का आनंद रसाएगा रुद्रदेव। कल देवगिरी के सैनिक नगर में अंदर तक घुस आए, आज वो दुष्ट महादेव अपने किले में नहीं घुसेगा कोई कह सकता है? सुरक्षा के बिना इस वुरुगुलु नगर को कोई देवता भी नहीं बचा सकता। बिल्कुल, सुरक्षा के बिना वोरगुलु नगर को कोई देवता भी नहीं बचा सकता। हमारे पिता श्री चक्रवर्ती सम्राट गणपति देव ने काकतीय राज्य की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक अद्भुत सपना देखा था। ये 7 सशक्त किले की दीवारों का निर्माण, बीच में ही रोके गए उस अधूरे कार्य को अब पूरा किया जाए। पिताश्री से आगे जाकर एक उत्तम निर्णय किया है रुद्रदेव। योद्धा को कवच और राज्य को किलाबंदी ही सुरक्षित रखते हैं। ये कार्य आपको इतिहास में अमर कर देगा। इतिहास में अमर होने वाला कार्य चक्रवर्ती सम्राट पूरा नहीं कर पाए थे। आधे में छोड़ दिया था किले की दीवारों का कार्य, और जवानी में युवराज में बहुत जोश भरा है, विचार भी उत्तम है। हाँ, इस बार तो ये कार्य पूरा होगा ना युवराज? संकल्प में ही विचारों की शक्ति भरपूर होती है। भविष्य की बात नहीं करते हम। पत्थर का किला, पेड़ के जाल का बांध, मिट्टी का बांध, ईंटों का बांध, कांटों का बांध, चूने का बांध, बांस का बांध, इनसे बने 7 दीवारों के किले को युद्ध में ढाल बनने के लिए पूरा किया जाए। जो आज्ञा युवराज। सात सशक्त दीवारों के किले के तैयार होने के इस अवसर पर उत्सव मनाने के 2 कारण। पहला, काकतीय साम्राज्य के प्रतीक में खड़े इस विजय स्तंभ के ऊपर तक चढ़ के जाने वाले वीर को काकतीय विजय ध्वज विक्रम विजेता की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। और दूसरा, इसी समय वर्धमान पुरम के पालनहार के राजकुमार गोनावर्धा रेड्डी और आदवोनी के प्रिय कोटा रेड्डी कुमार की पुत्री अनामिका देवी हमारे सम्राट के सामने विवाह सूत्र में बंधने जा रहे हैं। इस शुभ विवाह से दोनों प्रांतों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। इस विवाह में आए सभी उपहारों को हम खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। वाह लकुमाया रेड्डी, कोषागार का धन व्यर्थ न करते हुए प्रजा के उपहारों का सही उपयोग किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करते रहिए। पहले वीरों की प्रतियोगिता देखते हैं। हम भी यही चाहते हैं, पहले प्रतियोगिता उसके बाद विवाह। विवाह के बाद ये हमारे और नकली आभूषण कोषागार के लिए। ऐसी प्रतियोगिताएं तो होती रहेंगी, पहले विवाह तो हो जाने दो। हम आज नहीं तो कल विजय प्राप्त करके ही रहेंगे। काकतीय साम्राज्य में इस विजय स्तंभ पर चढ़ने वाला कोई नहीं है?
काकतीय साम्राज्य विजय विक्रम विजेता। काकतीय साम्राज्य विजय विक्रम विजेता। अति उत्तम वीर पुत्र, तुम्हारा साहस सराहनीय है। कौन हो तुम? अपना गोत्र, नाम और प्रांत बताकर ये सम्मान स्वीकार करो। उत्तर ना देना, चुप रहना अपमान समान है। विजेता हो इसलिए एक अवसर और देते हैं। बताओ कौन हो तुम? गोनागन्ना रेड्डी। गोनागन्ना रेड्डी। गोनागन्ना रेड्डी। गोनागन्ना रेड्डी। गोनागन्ना रेड्डी की जय हो। गोनागन्ना रेड्डी की जय हो। गोनागन्ना रेड्डी। देखकर ऐसा लगता है कि आप ही हमारे सामने खड़े रह सकते हैं गन्ना रेड्डी। हो ना गन्ना रेड्डी। इसके पिताश्री मेरे बड़े भाई से कम नहीं थे। ये गोना गन्ना रेड्डी काकतीय साम्राज्य के साथ हाथ मिलाने के बजाय विरोधी बन के खड़ा हो गया है। प्रभु, ये भागी सामंतों का खजाना लूटता है और उनकी जान भी ले लेता है। मैं हूँ गोना गन्ना रेड्डी। कई लोगों ने सुना होगा सिर्फ मेरा नाम, क्योंकि मुझे देखने वाले तो बहुत कम ही हैं जिनकी बचती है जान। काकतीय विजय ध्वज विक्रम विजेता। ए, चने के झाड़ पे चढ़ाएगा? ये खंबे पर चढ़ना, जमीन खोदना, पहाड़ पे चढ़ना, ये कैसी प्रतियोगिता है? कोई मजा नहीं है इस बेकार से खेल में। शेर के बच्चे को बकरी का खेल खिलाकर उसे प्रतियोगिता कहकर वाहवाही करते हो। वो सब छोड़ो और ये बताओ यहाँ क्यों आए हो? बताता हूँ। मेरे चाचा ने मेरे पिताजी को धोखे से मारा था, उन्हें क्षमा कर दिया। पिता समान इस राजा को मैं योग्य नहीं मानता। और जानते हो क्यों? क्योंकि इस समय प्रजा के लिए आंदोलन करने के बजाय ये बंदियों का साथ दे रहे हैं। चलो ये भी मैंने भुला दिया, मेरे साथ अन्याय हुआ तो हुआ, मगर मेरे सामने अन्याय हुआ तो मैं चुप नहीं रहूंगा। चक्रवर्ती सम्राट के सामने एक नारी के इच्छा विरुद्ध इस राजनैतिक विवाह को नहीं होने दूंगा। गोना गन्ना रेड्डी, इतना चिल्ला मत वर्धा, गला बैठ जाएगा। वैसे तुम जैसे इतने मनचले आदमी को विवाह करने की क्या आवश्यकता? खंबे पर चढ़ते चढ़ते धम से फिसल कर गिर गया, तुम्हारी ऐसी की तैसी करूं? सारे काम तो आधे अधूरे ही छोड़ देते हो, फिर ये मर्दानगी किसको दिखाओगे तुम? आधा वीर कहीं का। आधा वीर हुआ तो क्या हुआ, हमारे दामाद बन रहे हैं, आधा भी चलेगा। आपका दामाद घर भी आधा ही बसाएगा, चलेगा क्या? युवराज, गन्ना रेड्डी की नजर हमारी बेटी पर है, वो उसे उठा ले जाना चाहता है। अनामिका देवी पे ही नहीं, काकतीय सिंहासन पर भी इसकी बुरी नजर है। मुंह बंद रखिए हरि हर देव जी, वरना राजा बनने के लिए वारिस नहीं चाहिए, वीरता होनी चाहिए। बड़े बूढ़ों ने भी कहा है राज्य पर केवल वीरों का अधिकार है। गन्ना रेड्डी। गोना गन्ना रेड्डी। सुन लिया गजचोर गन्ना रेड्डी, राजादेश नामा न क्षमा योग्य नहीं है। बस करो, क्या योग्य क्या अयोग्य तुम क्या जानो? तुम्हें किले से बाहर लाने के लिए एक मदमस्त गज को तैयार करना पड़ता है। यहाँ हर सामंत राजा एक मदमस्त गज बन चुका है जो अपनी ही प्रजा को कुचलता फिरता है। इन चोरों को तुम अनदेखा कर सकते हो, मैं नहीं करूंगा। कुछ ज्यादा ही कह चुके तुम। जो कहा वो सच, शत प्रतिशत। बातों से खेलना शुरू कर दिया,
अगर जरूरत पड़ी तो जान पर खेलूंगा। यह तुम्हारा अंतिम खेल होगा प्रसाद आदित्य। सैनिकों तुरंत घेरा बनाओ। अरे वाह 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 बच्चा लोग, गुलेल दिखा के मेरे दिल पर वार कर दिया। वाह 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 वाह, बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे, उन्हें पीछे हटाओ। बस 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 बस, तुम लोगों ने हिम्मत की वही बहुत है। बच्चे लोग, भैया संभाल लेंगे, तुम पीछे हटो। गोना गन्ना रेड्डी, जैसा कि तुमने कहा, हमें भी इस राजनैतिक विवाह में कोई रुचि नहीं है। वर्धा रेड्डी आधे वीर क्यों ना हो, तब भी मुझे जाने नहीं देंगे वो। अगर तुम में साहस हो तो वर्धा रेड्डी को हरा दो, तो ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। आज्ञा दीजिए युवराज, आज हमारा विवाह और साथ ही इस बागी की हत्या दोनों हमारे हाथ से होगी। हम कब से इस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे। अनामिका बनेगी मेरी प्रेमिका। बहुत हो रहा। सैनिकों, गन्ना रेड्डी का पीछा करो। प्रभु, गन्ना रेड्डी जब सामने था तब हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, अब उसका पीछा करके कैसे बंदी बनाएंगे? मेरे पुत्र की रक्षा को करनी होगी। उस गोना गन्ना रेड्डी को रोकने के लिए हमारा समर्थ वीर है हमारा मित्र चाणूक्य वीरभद्र। है वो अपराधी गोना गन्ना रेड्डी। ये प्राण भैया गोना गन्ना रेड्डी की ही देन है, नहीं बताऊंगा, चाहे तो मार डालो। सामंतों को भी मार डाला। गन्ना रेड्डी, तुम मसीहा नहीं बल्कि एक हत्यारे हो, किंतु अब तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। मार डालूंगा उस गन्ना रेड्डी को। उसे मारना है तो पहले तुम्हें जीवित रहना होगा। गन्ना रेड्डी, मैं अभी वापस जा रहा हूं ताकि वर्धा रेड्डी जीवित रहे। खेल समाप्त नहीं हुआ बल्कि प्रारंभ हुआ है। नारी और पुरुष का भेदभाव ही ना रहे, इतनी मदिरा पी लो। ये उत्सव नारियों के लिए वरदान है, ये कौमुदी उत्सव हमारा उत्सव है, जिसकी जो इच्छा हो पूरी कर सकता है। वो गोना गन्ना रेड्डी वीर है, पराक्रमी है। हमारा मान बचाने के लिए वो कितनी आसानी से वर्धा रेड्डी को उठा के ले गया। शत्रुओं के लिए रुद्रदेव एक बुरे स्वप्न है, किंतु युवतियों के लिए एक मधुर स्वप्न। युवराज की पत्नी बनने का स्वप्न हर देश की राजकुमारी अवश्य देखती है। न जाने कितने लोग प्रतियोगिता जीतने आएंगे, न जाने कितने युद्ध भी होंगे, विजय मिले या वीरगति हो, उनके लिए युद्ध तो करना ही चाहिए।
ये जो कामोदी उत्सव है ये गपशप करने के लिए नहीं आया। मन में जो भी आशाएं हैं वो अपने आप बाहर आने के लिए व्याकुल हैं। अगर ये रात निकल गई तो ये उमंग, ये आनंद वर्षों तक वापस नहीं आएगा। स्त्री इस भूमि पर कहीं नहीं मिलेगी। ये अप्सरा सी सुंदरी इस धरती की तो हो ही नहीं सकती। ये मूर्ति मेरी आंखों के सामने है। उर्वशी जैसा कोमल बदन, मेनका सी कमर, तिलोत्मा का रूप रंग, गुलाब की पंखड़ियों जैसे होंठ, रंभा जैसी मस्तानी चाल, जैसे स्वयं कोई परी चली आ रही हो। कौन हो तुम? अगर तुम्हें पाना हो तो किस स्वयंवर में जाना होगा, किस राज्य को जीतना होगा? ओह, पहले हमें अपना परिचय देना चाहिए। नाम है चाणक्य वीरभद्र, प्रांत निर्वद्र प्रूरु। और कोई जानकारी चाहिए तो आपके काकती युवराज से कहलवा दूंगा। इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारे उसी युवराज से तुम्हारी शिकायत करके कारागार में भिजवा दूंगी।
जगत मोहिनी तुम कहाँ चली गई? एक मैं तुम्हें अवश्य ढूंढ निकालूंगा। तुम मेरी हो जगत मोहिनी। क्या हुआ मित्र? ध्यान भटका है या फिर कोई चिंता है? वही समझ नहीं पा रहा। कौन गन्ना रेड्डी हाथ में आकर भी हाथ से फिसल गया इसलिए? शत्रु के पीछे हम ना भी गए तो भी वो हमारे पीछे आ जाएगा, मगर प्रेमिका ऐसी नहीं होती। पल में दिखती है, पल में अदृश्य। तो कहाँ ढूंढूं, कैसे मिलूं उससे? प्रेमिका कहाँ मिली वो? कल रात कौमुदी उत्सव में बिजली की तरह आई, हृदय घायल करके चली गई। विश्वास नहीं होता ना, कल रात तुम्हें भी ले जाना चाहिए था। तुम देखते तो तुम भी उससे प्रेम करने लगते। उसके बाद हम दोनों के हाथों में तलवार होती, बाल मित्र से परम शत्रु बन जाते हम। तब तो उसे देखना ही होगा। नहीं नहीं, वो तो तुम्हारी भाभी होगी, सीधे विवाह मंडप में देख लेना। हा? वो बाद में देखा जाएगा। वर्धा रेड्डी को वो मार नहीं पाया इसलिए तुम उस गौना गन्ना रेड्डी को कम मत समझना। गौना गन्ना रेड्डी, वो आकाश का परिंदा हो या पानी का मगरमच्छ, अभी मेरे हाथ से निकल गया, किंतु एक दिन उसे पकड़ लूंगा। तो फिर जब तक गन्ना रेड्डी मिल नहीं जाता तब तक तुम एक शिला नगर छोड़कर नहीं जाओगे। जाने को कहोगे तो भी नहीं, राज्य बहिष्कार कर दोगे तो भी नहीं। और ये गन्ना रेड्डी के लिए नहीं, मेरी स्वप्न सुंदरी के लिए। अगर सात बांध की दीवार का किला बनाना है तो गणपति देव को सात जन्म लेने होंगे। ऐसा सोचा था हमने, मगर सात महीनों में ही दो नहीं तीसरी दीवार भी पूरी हो गई। प्रभु, सप्त दीवार बनाने के लिए जहां पर भी गड्ढा खोदो वहां पर प्राकृतिक खजाना मिल रहा है। भूगर्भ के प्राकृतिक खजाने से सप्त बाधाओं का किला पुनः निर्माण के लिए ही जन्मेगी। सप्त माँ के अवतार स्वरूप में तेलुगु देश की रक्षक होगी वो कन्या। भूगर्भ में प्राकृतिक खजाने का मिलना जब सच हुआ तो गणपति देव के यहाँ कन्या रत्न का जन्म लेना भी कहीं सच तो नहीं? राज्य की सेवा में कर्म के धर्म में लगे रुद्र देव के लिए अब तक विवाह की बात क्यों नहीं उठी? ऐसे प्रश्नों की लहरों ने सिर उठाना शुरू कर दिया। युवराज का विवाह कैसे संभव है? किंतु क्यों, रुद्र देव क्या भीष्म पितामह की तरह विवाह नहीं करेंगे? या फिर वो भी शिखंडी की तरह नपुंसक है? ऐसा मैं नहीं कह रहा, हमारी प्रजा ऐसा समझती है। अगर उनका मुंह बंद करना है तो इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा, हम सभी को ऐसा लगता है। आप संबंधी हैं, चचेरे भाई हैं, राजकुटुंब से आपका प्रेम और स्नेह देखकर सबको गर्व हो रहा है। युवराज रुद्रदेव का विवाह बहुत पहले से ही निश्चित हो चुका है। गज साहिनी जयाप सेनानी की प्रिय पुत्री मुक्तांबा के साथ माघ मास में इन दोनों का विवाह निश्चित किया गया है। सम्राट के सभी भ्राता और सामंतों को साथ रहकर विवाह संपन्न कराना होगा। अब ये लोग तो सड़क पर पड़े पत्थर जैसे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। युवराज के यहाँ से कोई नहीं आया? जो यहाँ है उनको देख नहीं रही हो? जो नहीं है उनके लिए इतनी बेचैनी? हाँ, आप लोगों से हमें क्या, अब देरी क्यों? विवाह के आभूषण देखने आए हैं तो वो कार्य समाप्त करते हैं। आप उन्हें बस 25,000 घोड़े, 10,000 हाथी और 1,00,000 गाय देंगे? गज साहिनी जायप सेनानी जी अपने दामाद को इतने ही उपहार देंगे क्या? सावधान, युवराज रुद्रदेव पधार रहे हैं। लगता है राजकुमारी पलाहार के बाद ही विवाह मंडप में जाएंगी। नमः
राजमहल में आने जाने के लिए गुप्त मार्ग का रहस्य। कौमुदी उत्सव से अदृश्य हुई जगत मोहिनी, उसका संबंध राजघराने से अवश्य होना चाहिए। जीजाजी बाहर आइए तो, शुभ समाचार है। क्या? मुझे राजमहल के अंदर प्रवेश करने के लिए सुरंग का पता चल गया है। सच? बताओ नागदेव, कहाँ है सुरंग? जीजाजी, अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी भेद नहीं खोलूंगा। पहले तो मैं जगत मोहिनी को ढूंढ कर सौंदर्य रसपान करूंगा, उसके बाद रहस्य खोलूंगा। ठीक है, मत बताओ सुरंग का रहस्य, किंतु पहले मेरा काम पूरा करो, उसके बाद चाहो तो सुरंग में जाओ। तुम्हारी जगत मोहिनी दिख जाए तो सौंदर्य रस का आनंद लो, मगर लगन मंडप तक पहुंचने से पहले युवराज रुद्रदेव को मार डालो। वैसे भी इस विवाह के कर्ता धर्ता हम ही हैं, लग्न मंडप का सारा कार्य हमारे हाथों में ही है। राजमहल में रुद्रदेव तुम्हारे हाथ में होंगे, लग्न मंडप में हम गणपति देव के साथ ही साथ राजकुटुंब का भी अंत कर देंगे, और फिर इस काकतीय साम्राज्य का सब कुछ होगा हरिहर देव। युवरानी जी, इतना उतावलापन क्यों? जल्दी आओ तो उतावली कहते हैं, देर से आओ तो कहते हैं। औरतों को सजने सवरने के लिए पूरा दिन भी कम पड़ता है। सच तो है, सजने सवरने में देर आजकल हम नारियों में नहीं, आप पुरुषों में हैं। आपके मित्र अभी तक नहीं आए। मुझ जैसी सुंदरी के साथ यहाँ आकर बैठने के लिए भी सजना आवश्यक है, चाहे वो कहीं के भी युवराज हो, उन्हें सजने सवरने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा ही। जो अनुमान किया था बिल्कुल सही था, मेरी जगत मोहिनी यहीं पर है। सबसे पहले उस युवराज को खत्म करूंगा, फिर उसके बाद स्वर्ग का सुख उठाऊंगा। युवराज रुद्रदेव, छल किया। एक स्त्री को सिंहासन नहीं मिलेगा, इसलिए 25 साल से नाटक रचाया तुमने। अब तुमको मार डालूं तो ये नाटक यहीं समाप्त हो जाएगा, और अगर मैं बाहर जाके सबको बता दूं तो ऐसे ही पूरा काकतीय साम्राज्य मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हारा अंत निश्चित है। युवराज पूजा के लिए मंदिर नहीं पहुंचे। चाणक्य वीरभद्र, लगता है कोई संकट आ गया है, आप सारी दिशाओं में जांच शुरू कीजिए। सैनिकों, सेना नायक को सावधान कर दो। सुनिए पंडित जी, मुहूर्त निकलता जा रहा हो तो तलवार के साथ विधि शुरू कीजिए, चाहे कैसी भी दुविधा क्यों ना आ जाए, ये विवाह नहीं रुकेगा।
आ गए, देखो। मित्र, कहाँ थे तुम? कहीं नहीं, दूसरे रास्ते आ रहे हैं। सब गड़बड़ हो गया, नागदेव के प्रहार से भी बच गया। छोटा मत करो, आशीष लेने के लिए नया जोड़ा राज क्रीड़ा आंगन में अवश्य जाएगा। उस गोनकन्ना रेड्डी की बनाई हमारी नकली सेना के सामने रुद्रदेव कतई नहीं बच पाएगा। आप हमारे गज केसरी हैं, इसीलिए बागी गन्ना रेड्डी ने आपके शुभ विवाह महोत्सव में इस हाथी के विशाल पुतले को भेंट में भेजा है। अपराध हमारा और दोष गोनकन्ना रेड्डी पर, उसके नाम से ये राज परिवार का अंत हो जाएगा। चला क्या गया? तुमने सोच लिया वापस नहीं आऊंगा? मैं इस हिंदू देश का सुपुत्र हूं, जहां भी अन्याय होगा मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। मैं धोखे से कभी किसी पर वार नहीं करता, तेरी ऐसी की तैसी धोखा मेरे रक्त में ही नहीं है। ये तो तय है कि रुद्रदेव से आमना सामना होकर रहेगा। ये घड़ी शुभ कार्य की है, हल्दी चंदन की बूंदे बरसनी चाहिए, ना कि रक्त की लाल बूंदे। यही कारण है तुम दोनों को जिंदा छोड़ने का। माफ किया, लेकिन हाँ, एक बार और गोनकन्ना रेड्डी का नाम बदनाम किया तो तुम्हारी खोपड़ियां हाथी के पैरों तले कुचलवा दूंगा। चाणूक्य, दोष किसका है जानना है तो उस गन्ना रेड्डी को किले से बाहर नहीं जाने देना। Thank you.
ऊपर आकाश नीचे धरती इस ब्रह्मांड की सारी शक्ति हम सबकी भक्ति पाताल की गहराई हिमालय की ऊंचाई सबकी खाता हूँ सौगंध 30 करोड़ मुनि 70 करोड़ देवता 7 करोड़ ब्राह्मणों को साक्षी मानकर कह रहा हूँ रुद्रदेव चाहो तो लिख लो। कोना गन्ना रेड्डी के तलवार की नोक तुम्हारे लिए है और हमेशा रहेगी। उस घटना के बाद सारी प्रजा को लगा कि युवराज रुद्रदेव और काकतीय साम्राज्य का असली शत्रु कोई और नहीं गोना गन्ना रेड्डी ही है। गोना गन्ना रेड्डी के तलवार की नोक तुम्हारे लिए है और हमेशा रहेगी। चाणूक्य वीर भद्र ने उस बागी को ढूंढना शुरू कर दिया। काकतीय के महामंत्री शिवदेव ने शत्रुओं को भटकाने के लिए राजनीति का खेल खेला। राज्य के गन्ने की सारी फसल किले के अंदर जमा करवा ली गई। साथ ही भारी मात्रा में जूठे पत्तल भी बाहर फेंकवाए गए जिससे शत्रुओं को किले के भीतर अधिक गजबल और सेना का भ्रम पैदा होता। इससे देवगिरी का महादेव बहुत चिंतित हुआ और एक नए षड्यंत्र के बारे में सोचने लगा। हरिहर और मुरारी देव जी, गन्ना रेड्डी के अपराध में आपकी भूमिका जब तक जान न लूं आपके अधिकार रद्द किए जाते हैं। इस अपमान से तिलमिलाकर हरिहर और मुरारी देव ने एक सम्मोहन अस्त्र का उपयोग किया। मदनिका, युवराज रुद्रदेव सभी विधाओं में बलशाली हैं, मगर उनका कोई तो रहस्य है। मैं सब कुछ समझ गई। राजमहल में एक रहस्य है और उस रहस्य का पता लगाने गए थे आपके नागदेव, किंतु वो परलोक से धार गए। आप दोनों भी बिना अधिकार के बिना नागमणि के सांप जैसे हो गए हैं। अब मुक्तांबा की प्रिय सखी बनकर राजमहल में प्रवेश करके उस रहस्य का पता लगाऊंगी। इस माला को वहां बांधो। ओ, और इसे यहां से मालाओं की राजकुमारी, यह हमारा साम्राज्य है, तो यह आपका अधिकार कैसे हुआ? भाभी जी, इस विशेष कक्ष में तो पहले दूल्हे राजा को आना चाहिए ना? ऐसा कोई राजकीय नियम है क्या? हम्म, या किसी राजपत्र में लिखा गया है? ओहो, स्वादिष्ट गुड़ से बना पक्षी, इसे हमारे लिए मंगाया है ना? भाभी जी, ये क्या, आपने पूजा नहीं की, दूध नहीं पिया और सीधे खाना शुरू कर दिया? हमारे सामने अगर हमारी पसंद के पकवान रखे हुए हों तो हम रुक नहीं सकते। केवल आप ही नहीं, युवराज भी नहीं रुक पाए। देखिए वो आ गए। बातें बंद करो और अब जाओ यहाँ से। कवच पहन कर ही आ गए युवराज जी। शयन कक्ष में भी युद्ध करने जा रहे हैं क्या? मुक्तांबा, इस शुभ कार्य में ऐसे आने के लिए क्षमा कर दीजिए। काकतीय प्रजा की भलाई के लिए हमने एक पुण्य व्रत रखा है, वो पूरा होने तक हम स्त्री के पास नहीं जा सकते। अब आप हमारी अर्धांगिनी हैं, स्वीकार हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ऐसा मत कीजिए कार्येशु दासी, अब मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपको ना कैसे कह सकती हूं। व्रत पूरा होने तक मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। रुद्रदेव ने उस समय बात को टाल दिया, कुछ मोहलत मिल गई। उन्होंने राज्य में नए नए उपद्रवों के कारण हाथ में तलवार उठाकर खूब वीरता दिखाई। उन्होंने वेंगी और राज महेंद्र वर्म के शासक पांडिय सेन को परम जिंग और कलिंग राजा नरसिंह देव को युद्ध क्षेत्र छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया और दूसरे राज्यों से तेलुगु साम्राज्य की रक्षा की।
इस विजय गाथा को शिलालेख के रूप में गोदावरी माँ की सौगंधें हमें, अगर हमारी प्रजा पर कुदृष्टि डालोगे तो अपना रक्त बहाना पड़ेगा। मणि वस्त्र, रत्न वस्त्र, जरी वस्त्र, स्वर्ण तंत्र वस्त्र, नेत्र वस्त्र, एक से बढ़कर एक, किस वस्त्र की साड़ी दिखाऊं युवरानी? जिस वस्त्र से ये हमारे युवराज को रिझा सकें, इन्हें वही वस्त्र दिखाइए। ठीक है, अभी लाया। वस्त्र की सुंदरता तो पहनने के पश्चात ही दिखेगी ना। अच्छा, तो वो बूटे वाली साड़ी है ना, वो मंचू भैया को पहनाइए। और हरे रंग वाली सीतू भैया को पहनाइए। वो देखिए, ये तो मुझे दो। प्रणाम। हाँ, रत्न वस्त्र। सावधान, युवरानी के साथ सभी नारियां शीघ्र अंदर चली जाएं। व्यापारी, अपने हाथ पीछे करके घुटनों पर बैठ जाओ। बैठी एक अंत कैसा होता है समझाने के लिए, इसकी पीठ में तलवार घुसाओ और इसे देवगिरी राज की सीमा पर फेंकाओ। किले की योजना असफल करने में ये व्यापारी तुम्हारी मदद करेगा। व्यापारी ने विष पी लिया, लेकिन इस मदनिका के प्राण त्यागने से पहले काकतिया अस्त व्यस्त हो जाएगा। शाबाश मदनिका, शाबाश! तुम एक कुशल जासूस साबित हुई हो। इन शत्रुओं के सर के साथ साथ काश रुद्रदेव का सर भी होता। गोला खेलने का दिवस अब ज्यादा दूर नहीं है। उस महादेव का सामना करने के लिए हमें सभी विद्याओं में महारत चाहिए। महादेव का सैनिक बल बहुत अधिक है। कल को अगर उसने आक्रमण किया तो हमारा मुख्य सैनिक बल कम पड़ जाएगा। हमें साथी राजाओं और सामंतों का सहारा लेना होगा। साथी सामंतों की सेना का सहारा? वो सब तो ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तक चागी वंश, हई हई, नेल्लूर के चोला, पहाड़ी आतंकवादी, उग्रवादी, प्रांत के बाहरी सरदार स्वतंत्र शासन चला रहे हैं। उनकी सहायता लेना संकट को न्योता देना भी हो सकता है। इसीलिए हमारे हर युवक नागरिक को एक सैनिक बनाकर रुद्र सेना का निर्माण करेंगे। अद्भुत विचार है ये रुद्रदेव। रुद्र सेना का कार्य आरंभ कीजिए। ये उत्तरदायित्व पहले से ही हमारे मित्र चाणूक्य वीरभद्र को सौंप दिया गया है। वैसे इस मंत्रणा में चाणूक्य वीरभद्र क्यों नहीं आए? वो चाणूक्य जी को रुद्र सेना से अधिक किसी शिल्प सुंदरी की चिंता है। चट्टानों पर मूर्तियों के बीच मदिरा पान का अभ्यास हो रहा है। दोबारा जब तक वो सुंदरी नहीं दिखती, होश में नहीं आएंगे वो। नहीं जा रही, रुद्रदेव को कहकर विवाह कर लेते हैं। विवाह के अलावा क्या आपका कोई और लक्ष्य नहीं? इस आयु में इससे बढ़कर लक्ष्य और क्या हो सकता है? अपने होने वाले पति के बारे में एक स्त्री कई स्वप्न देखती है। बोलो, क्या स्वप्न है? अभी साकार कर दूंगा। वो आपसे संभव नहीं है। क्यों, ऐसा क्या स्वप्न है? युवराज ने आपको जो कार्य सौंपा था उसे आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लोगों में बातें हो रही हैं कि मदिरा पीकर घूमने के अलावा आपका और कोई लक्ष्य नहीं। तब तो मुझे पहले उस लक्ष्य को पूरा करना होगा, उसके बाद तुम्हें मंगल सूत्र और नथ पहनाऊंगा। अगले मास की सप्तमी को तैयार रहना। लोगों ने सर क्या मुड़वाए? तुमने ओले बरसाने शुरू कर दिए।
तुम्हारा भी मुंडन करवाना पड़ेगा, अन्याय पर कार्यवाही अवश्य की जाएगी। अगर तुम्हारे सामंत ने हमारी प्रजा को नोच खाने का सोचा भी तो उसके सर को धड़ से अलग कर डालेंगे हमारे गोना गन्ना रेड्डी। प्रजा रक्षक श्रीमान नायक गोना गन्ना रेड्डी की जय हो, जय हो। इन लोगों ने बल दिखा के आपसे जो अनाज छीना था वो आपको वापस करते हैं। रेड्डी जी, चाणूक्य वीरभद्र इसी तरफ आ रहे हैं। चाणूक्य वीरभद्र और युवराज से टकराने का ये सही समय नहीं है, चलो। घेरा बना लो, डरो मत। अनाज छीन के ले जाने वाले उस गन्ना रेड्डी को छोड़ेंगे नहीं हम। ऐसे ही बागी और दूसरे शत्रुओं का सामना करने के लिए युवराज रुद्रदेव ने नई सेना बनाने का निर्णय किया है। हर घर से एक नागरिक भर्ती करके रुद्र सेना बनाई जाएगी। युवकों आओ, रुद्र सेना में भर्ती हो जाओ, सारे भय कष्ट समाप्त हो जाएंगे। मालिक, परिवार को चार दाने खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर इतने सारे कर लगा दिए, अब ऐसी परिस्थिति में आप ही बताइए किस तरह से जीवित रहेंगे हम। युवराज ने तो परिस्थिति सुधरने तक सारे कर रद्द कर दिए थे। माना कि उन्होंने तो रद्द कर दिए थे, किंतु सामंत नोच नोच के कर वसूल कर रहे हैं हमसे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ध्यान से सुनिए, किसी भी घर से सैनिक नहीं तैयार होगा, बल्कि एक बागी तैयार होगा जो गोना गन्ना रेड्डी के साथ जा मिलेगा। उस बागी गोना गन्ना रेड्डी ने हमारे खजाने को ही नहीं लूटा, प्रजा का हृदय भी लूटा है। प्रजा के मन में हमारे लिए जो दूरी बनी है उसे मिटाना होगा। भविष्य में किसी ने भी हमारी अनुमति के बिना कर वसूला तो उस सामंत को कठोर दंड दिया जाएगा। मित्र चाणूक्य वीरभद्र, आप रुद्र सेना का कार्य पूरा कीजिए। चाणूक्य वीरभद्र रुद्र सेना का कार्य संभालेंगे तो बागी गोना गन्ना रेड्डी हमारे प्राण ले लेगा। अब तक 12 सामंत राजाओं को बहुत कष्ट देकर मार डाला गया, पता नहीं अगला कौन होगा। प्राण हथेली पर लेकर घूम रहे हैं। अपने प्रांत के पालक हैं आप लोग, कायरों जैसी बात करते लज्जा नहीं आती। वो बागी आके आपकी जान न ले ले तब तक जब करते बैठोगे क्या? आप सब मिलकर अपने बल से नल्लमला के जंगल को घेर लो, जाओ ढूंढो उसे, शिकार कर डालो, गोना गन्ना रेड्डी का अंत कर डालो। मासूमों को लूटोगे और अपनी तिजोरी भरोगे तुम? भाई, मुझसे भी अधिक लूट बचाने वाले बहुत सामंत हैं। मोटा सेठ मोटा पेट, जैसा पाप वैसा दंड। भाई आपने बहुत अच्छा किया, मैं बाकी सामंतों को सुधार दूंगा। जैसे बहुओं को सास सुधारती है वैसे सुधारोगे? हाँ भाई, मैंने कोई पाप नहीं किया। तूने पापों से टोकरा भरा है, जब वो टोकरा फटेगा तो क्या होगा? क्या होगा? तू भी फट जाएगा। पोटली तो बहुत भारी लगती है। मेरी पोटली मेरी मर्जी। तो बहुत कर जमा कर लिया तूने। मेरा कर मेरी मर्जी। अब मेरी चार पते की बातें भी सुन। पहली बात, प्रजा को बिना कारण परेशान किया। हाँ। दूसरी बात, बेचारे बच्चे पर हाथ उठाया। हाँ। और चौथी, तीसरा कहाँ गया? ये मेरी गिनती है तो यहाँ मेरी मर्जी। तुझे पकड़ लिया गन्ना रेड्डी, अब बंदी बना के कारावास में डाल दूंगा। मेरा काम देखकर हैरान होने वाले बहुत हैं, पर कारावास में डालने वाला कोई नहीं। ऊपर देखो। जो चक्रव्यूह में फंस जाए मैं वैसा अभिमन्यु नहीं। व्यूह तोड़ने वाला उसका पिता हूं, श्री कृष्ण का मित्र। ऐसे ही मरोगे या फिर मेरे साथ चलोगे? गोना गन्ना रेड्डी की जय हो।
और फिर गौना गन्ना रेड्डी की सेना बढ़ती गई। पश्चिम में राजा कोटागिरी, दक्षिण में मुत्तुकुरु, उत्तर में नागनूर कंचम नायक और पूर्व में कलिंग तक उसने नरसंहार की परंपरा को जारी रखा। हमारे देश के शत्रु कौन है जानते हैं? वो राज्य से बाहर के शत्रु राज्य नहीं, हमें एक दूसरे से दूर करने वाले वो नहीं। ये जाति भेद, ये धर्म है। इस अंतर को हटाने के लिए ही हम अंतर जातीय विवाह करवा रहे हैं। इससे भेदभाव मिटेगा, सब एक होंगे और देश जुड़ेगा। कोई राज्य हो या कोषागार, वो प्रजा के हित के लिए होते हैं। अपनी प्रजा के कल्याण के लिए युवराज रुद्रदेव ने कई अध्यादेश जारी किए, कई तालाब खुदवाए, कुएं बनवाए। उस समय बरसात ही एकमात्र सहारा था, इसलिए बरसाती पानी जमा करने के लिए बांध बनाए गए। खेतों में फसल लहलहाने लगी, उनका अनाज समुद्री मार्ग से होकर पूरे विश्व तक पहुंचने लगा। राज्य ही नहीं, प्रजा भी समृद्ध होने लगी। एकता के लिए इस काकतीय साम्राज्य के लिए, हम अपने प्राण भी त्यागने को तैयार हैं। इस क्षण से हम सब एक हैं, रुद्र सेना। चाणक्य के वीर भद्र रुद्र सेना को हर तरह के युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे। इधर उनकी तैयारी जोरों से चल रही थी और उधर मदनिका किले के हर एक भेद का पता लगाकर देवगिरी के महादेव को भेज रही थी। शत्रु को दूर रखने के लिए बनाए गए सप्त दीवार के किले को भेदना असंभव था, परंतु किले की गुप्त सूचनाएं देवगिरी पहुंचती रही। काकतीय सेना का रहस्य मेरे हाथ में है। झूठा प्रचार करके हमारी आंखों में धूल झोंकता रहा वो धूर्त महामंत्री शिवदेव, उस सब दीवार के किले को मिट्टी में मिलाने के लिए ये रहस्य पर्याप्त है। रुद्रदेव, गुरुकुलों का किला हमारा है, काकतीय साम्राज्य हमारा है। हमने तो अपना वचन पूरा किया, किंतु तुम कहां हो? इस मास की सप्तमी को बीते भी एक सप्ताह हो गया भाई, अब तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों चौंक गए रुद्रदेव? अकेले क्यों आ गए? अंगरक्षक कहाँ है? तुम्हारा प्रेम अब पागलपन की चरम सीमा लांग चुका है। जब ये सुना तो हम सत्य पता करने स्वयं यहाँ गए। आपका क्या मित्र, युवरानी मुक्ताम्बा के साथ आप तो खुश हैं, और मेरा क्या, अकेला कद्दू जैसा पड़ा हूँ। वैसे सही समय पर आए हो, मेरी प्रेमिका आने वाली है। मेरे बड़े भाई बनकर आपको मेरा विवाह तय करना होगा। चलो करवा देंगे, मगर एक शर्त जीतनी होगी। हमारा मित्र प्रेम में पड़कर कहीं तलवार विद्या तो नहीं भूल गया, ये सिद्ध करना होगा। हारने वाले को जीतने वाले की बात माननी पड़ेगी। तब तो मैं आपको हरा के उसे अवश्य अपना बनाऊंगा। रुद्रदेव, एक बार युवरानी मुक्तम्बा को देखिए। यदि वो इसी तरह उपवास करती रहेंगी तो वैद्य ने कहा है कि उनके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। कवच का बोझ उठाते उठाते हम थक गए हैं, हमें इस बोझ को उतारना ही होगा। थोड़ी सहायता करेंगी? नहीं युवराज,
दीवारों की भी आंखें होती हैं। इससे वर्षों से छुपाया आपके जन्म का रहस्य खुल गया तो? क्या ये रहस्य आप जानती हैं? कैसे, कब पता चला? जिस दिन सगाई हुई थी। एक स्त्री हूं, दूसरी स्त्री का स्पर्श भी नहीं पहचानूंगी। विवाह से पहले जानती थी तो किस लिए, क्यों गले में ये मंगलसूत्र पहन लिया? आप सर उठाकर चल सके इसलिए मैंने ये सुरक्षा सूत्र पहन लिया। इसे कोई त्याग नहीं समझती हूं मैं। त्याग तो वो है जो आपने किया है। युवराज, आप केवल इस कवच का भार नहीं उठाते हैं, राज्य का भार उठाते हैं। आप ऐसा करके केवल स्वयं को नहीं बचा रहे, करोड़ों प्रजाजनों को बचा रहे हैं। हम बहुत अच्छे से समझ गए। आपके विचारों के लिए हम सर झुकाते हैं। इसी क्षण से हम आपको अपनी संतान स्वीकारते हैं। आपका जीवन संवारने के लिए हम आपका विवाह करवाएंगे। चाणुक्य वंश को हम आपके योग्य समझते हैं। मेरा विवाह रहने दीजिए। ये बताइए, चाणुक्य वीरभद्र के साथ आपका विवाह कब होगा? ये जन्म प्रजा के लिए है, अगला जन्म तुम्हारे लिए होगा। इतना सुंदर छल अपने आप से, अपने हृदय पर हाथ रखकर कहो मुझसे प्रेम नहीं करती? अपने आप के साथ घोर अन्याय कर रही हो तुम। तुम्हारे जीवन से अधिक, हमारे मित्रता से बढ़कर, हमारे प्रेम प्रतिज्ञा से बढ़कर तुम्हारे लिए यह प्रजा है। अपने प्रेम का बलिदान करके तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। चलता हूं। इस जीवन में विवाह भाग्य में नहीं है, हमेशा रुद्रदेव बनकर ही रहना है हमें। इस काकतीय प्रजा के लिए आप अपने सुख संतोष को भी भूल गए हैं। आप जैसी नारी मूर्ति को अपनी इन आंखों से देखने और आपके साथ जीने से मेरा जीवन धन्य हो गया। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं खुश हूं। आप केवल अपने कर्तव्य की ओर बढ़ें। जिस वीर पुरुष का नाम सुनकर काकतीय की प्रजा बड़े चैन से सोती है, जिसका नाम सुनकर आप दोनों आधी रात में गहरी नींद में भी भय से उठ बैठते हैं, वो पुरुष वीर रुद्रदेव असल में पुरुष है ही नहीं, स्त्री है, रुद्रमा देवी। पच्चीस वर्षों से सब कुछ छलते आ रहे हैं गणपति देव। अब देख लेना ब्रह्मांड के कैसे टुकड़े करते हैं हम। ब्रह्मांड तोड़ने के लिए रहस्य बताने वाली इस मदनिका को
केवल इन आभूषणों से संतोष करना पड़ेगा। तू महादेव की भेदी है, हम ये पहले ही जान चुके थे। भेदी हो तो सिर्फ एक के साथ निष्ठावान होना चाहिए। दो नावों में सवार होने की कोशिश करोगी तो यही अंत होगा। ये ब्रह्मांड रहस्य ही हमारा ब्रह्म शास्त्र है। शिवदेव, हो सकता है कि सामने बैठकर प्रणाम करना चाहते हो, आपके चचेरे भाई तो हैं। चक्रवर्ती सम्राट गणपति देव आज एक विशेष घोषणा करना चाहते हैं। विशेष घोषणा? क्या है वो? फिर कोई नया मंदिर बनवा रहे हैं क्या? सप्तदीवार के लिए मैं दरवाजा लगेगा। आपसे विनती है कि अब सम्राट की घोषणा सुनिए। क्षमा क्षमा करिए, सुनाइए सुनाइए ना। प्रिय प्रजाजन और सामंत गण, हमारे साथ पूरी लगन के साथ युवराज ने राज्य कार्य में हाथ बटाया है। काकतीय प्रतिष्ठा दसों दिशाओं में फैलाई है, इसलिए युवराज रुद्रदेव का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। भावी काकतीय सम्राट रुद्रदेव की। क्या क्या कहा? रुद्रदेव का राज्याभिषेक होगा। युवराज महाराज बनेगा। बस यही घोषणा है या कुछ और भी बचा है? सभा की मर्यादा बनाए रखें, तब हम अपनी बात पूरी कर पाएंगे। मर्यादा? पहले आप अपनी मर्यादा रखें महामंत्री जी, उसके बाद हम भी मर्यादा की बात करेंगे। इतने वर्षों से आपके पूजनीय बने युवराज रुद्रदेव पुरुष नहीं है, स्त्री है। जी हां, जन्म से स्त्री रुद्रमा देवी। स्त्री को पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया प्रजा के सुख के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, काकतीय के शासन को आगामी वंशज को सौंपने के लिए रुद्रमा को रुद्रदेव बनाकर पाला गया, प्रजा की संतान समझकर पाला गया। काकतीय काल को स्वर्णयुग बनाने वाली रुद्रमा देवी को कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन गौरवपूर्ण साम्राज्ञी बनाकर अपना आभार प्रकट कीजिए। इसी के साथ सभा समाप्त की जाती है। सभा समाप्त नहीं हुई, इनकी विरासत समाप्त हुई है। रुद्रदेव या भेद किले से बाहर निकल गया, ये बात महामंत्री शिवदेव भाप गए थे, इसलिए उस भेद को स्वयं खोलकर उन्होंने उचित राजनीति का उपयोग किया। 25 वर्षों से पल रहे सपनों को तुमने यूं ही चकनाचूर कर दिया शिवदेव। यहां सब कुछ समाप्त नहीं हुआ, आगे कोई उत्सव नहीं होगा और ना ही कोई राज्य अभिषेक होगा। अब देखना हम क्या करते हैं। हुई है ये फिजा, करुणिकाया मैं हूँ या
रण है महका हुआ सा। एक स्त्री को लाकर हमारे सिर पर मत बिठाओ। ठीक ही कह रहे हैं नगरवासी, एक स्त्री के बैठने के लिए ये है सही जगह। हे यामदेव, हमारी बेटी के अपमान का ये दुस्साहस, जब है तो हम आप क्यों प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए, इसका सर काट कर अभी आपके चरणों में डाल देता हूँ। हे प्रसाद आदित्य, अम्बादेव के सर के साथ हम सबके सर भी काट देना। एक स्त्री के सामने अपना सर झुकाने से मर जाना ही उचित है। यदि एक स्त्री जहाँ होनी चाहिए वो वहाँ ना हो तो कितने महासंग्राम हुए हैं क्या हम ये नहीं जानते? राम रावण युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र का महाभारत संग्राम हुआ, उनका कारण क्या था? केवल एक स्त्री। नागम्मा नायक ने कई बड़े बड़े राज्यों का सर्वनाश किया, अब दोबारा ऐसा विनाश इस राज्य में मत होने दो। काकतीय प्रजाजनों, शांति शांति। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितम्। स्त्री शक्ति न मिली तो कहीं शक्तिहीन न हो जाऊं मैं, इसीलिए शिव जी ने अपने आप को अर्धनारीश्वर कहा और अपनी पत्नी को अर्धांगिनी। तो फिर स्त्री को सिंहासन पर बिठाना अनुचित क्यों है? हाँ, स्त्री अबला किस तरह से है? श्री राम जी के कष्ट का कारण सीता जी नहीं बल्कि दुष्ट असुर रावण था। कुरुक्षेत्र के प्रलय का कारण द्रौपदी नहीं कौरव थे। स्त्री का अपमान करने वाले हर एक पुरुष ने अपना सर्वनाश अपने हाथों से किया है, याद रहे। ये पुराण कथाओं को सुनाकर हमारा मुख बंद नहीं करा सकते महामंत्री। पुराणों की अमर कथा भूलोगे तो इतिहास कैसे लिखोगे उपल सोम? अमरावती में पले और बढ़े हमारे पहले तेलुगु सम्राट चक्रवर्ती शिरोमणि गौतमी पुत्र सातकर्णी को भूल गए क्या? हाँ, अपनी आंखों के सामने रुद्रमा देवी के पालन पोषण को देखकर भी आप लोगों की आंखों से पट्टी नहीं हटी। सारे कर जिसने रद्द करवाए, भविष्य की सोचकर जन कल्याण के लिए तालाब बनवाए, व्यवसाय के लिए मार्ग खोले, स्त्रियों के लिए प्रसूति करे और साथ ही साथ वेशशालाएं बनवाई। सुख संतोष शांति सौभाग्य ये सब आपके हाथों में सौंप दिया। ये कल अवश्य इतिहास रचेगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए सीख होगी। विक्रम युग की तरह ही और सालीवान युग की तरह रुद्रमा देवी युग को भी लोग भूल नहीं पाएंगे। हरिहर मुरारी और अम्बादेव महाशय, हजारों वर्षों के बाद भी आपको और मुझको इस देश का इतिहास याद रखेगा, जो कि केवल इस स्त्री रुद्रमा देवी के कारण ही संभव होगा। प्रजाजनों, नया इतिहास रचने वाले इस संक्रांति काल में हैं हम। कल तक रुद्रदेव युवराज की जय जयकार करने वाले आपके ये मुंह आज क्यों बताइए इस रुद्रमा देवी के लिए विपरीत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि वो स्त्री है, इसलिए। इस राज्य पर एक स्त्री राज करेगी, इस समाचार से ही हमारी फसलों में आग लगा दी गई, हमारे घरों पर कब्जा कर लिया। अब औरतें घर से बाहर निकलने से डरती हैं। राज्य में जगह जगह आक्रमण हो रहे हैं, जैन गुरुओं को मार डाला गया। वो शत्रुओं की साजिश थी। यदि ये उनकी साजिश थी तो रुद्रदेव के सामने ना होने वाले अपराध अब क्यों होने लगे हैं? वो इसलिए पुरुष से भय होता है, भला स्त्री से कौन डरता है? हाँ, और उसी डर के कारण आपने भी 25 वर्ष ये सत्य छुपाया और सामने नहीं आने दिया। इतने वर्षों तक सम्राट गणपति देव का साथ देने वाले हम लोगों का काकतीय साम्राज्य पर से विश्वास उठ गया है। हम अपने राज्य का पालन स्वयं करेंगे,
अब कमरनाड राज्य स्वतंत्र राज्य है। मुलुकनाड राज्य से काकती साम्राज्य का संबंध समाप्त। हमारा पाकानाड प्रांत भी एक स्वतंत्र राज्य है। एक स्त्री की जय जयकार करेंगे तो रेनाड राज्य के सम्मान का क्या होगा? अलग होना है, अलग होना है, अलग होना है, अलग होना है, अलग होना है। हमारे काकतीय प्रजाजनों और सामंत राजाओं, हम राज करने के लिए रुद्रदेव बनकर सिंहासन पर नहीं बैठे। प्रजा की रक्षा करने के लिए ये उत्तरदायित्व स्वीकारा था। तेलुगु जाति की रक्षा के लिए आपने जो निर्णय लिया था, वो जब तक सफल ना हो जाए, हम रुद्रदेव ही रहेंगे। रुद्रदेव के सारे कार्यों को अनदेखा करके आप सब रुद्रमा देवी को केवल एक स्त्री ही मान रहे हैं। घर संभालने वाली एक स्त्री राजकाज नहीं संभाल सकती, हम ये आपसे नहीं पूछेंगे। वो आपका निर्णय है, आप पर छोड़ते हैं। आपकी मूल समस्या हमारा एक स्त्री होना ही है ना? हमारे ना होने से अगर कोई समस्या नहीं है तो ये सिंहासन छोड़ देती हूँ। इतने वर्षों तक हमारा रुद्रदेव बनना अगर आपकी दृष्टि में अपराध है तो जो भी दंड है स्वीकार करेंगे हम। हम सब विचार करने के बाद आपको बताएंगे। धर्म शास्त्र के अनुसार रुद्रमा देवी ने जो अपराध किया उसके लिए केवल मृत्यु दंड है, परंतु वो एक स्त्री है इसलिए नगर बहिष्कार ही काफी होगा। राजभोग त्याग कर उन्हें साधारण स्त्री के जैसे जीवन बिताना होगा। वो शस्त्र नहीं उठा सकती, इस दंड पर तुरंत अमल होना चाहिए। पच्चीस वर्ष पहले जिस संकट से बचने के लिए ये सब किया था, अब वही विपदा प्रलय लेकर आने वाली है। प्रभु, है वो
स्त्री होकर भी इतने वर्षों से उंगली पर न चाहती रही। काकतीय राज का यह रहस्य सारा विश्व जान गया है और अब जाकर महादेव को पता चला। मदनिका ने भी छल किया हमसे, ऐसी उल्टा गुप्तचर को पाला हमने। रक्त की प्यासी तलवार का अभिषेक हो चुका है। काकतीय साम्राज्य के तरफ अब शुरू होगी ये दंड यात्रा। कुरुक्षेत्र के महाभारत महायुद्ध को खुला देगा ये इतिहास। अशोक के कलिंग युद्ध में शवों के पहाड़ भी छोटे लगने लगेंगे। सैनिकों, महासंग्राम का बिगुल बजा दो। सही स्थान पर आकर बैठी हो। सभी की माता यलम्मा, एक वीरा देवी बेचारी अपने पुत्र परशुराम के लिए मस्तक अर्पण करने वाली त्याग की मूर्ति। तुम भी ऐसी ही हो ना, अपनी प्रजा के लिए सब कुछ भुला दिया। एक शिला नगर की रानी एक वीरा के चौखट पर बैठी है। युद्ध में घाव मिलते ही हैं। ये घाव किसी शत्रु ने नहीं बल्कि तुम्हारे अपनों ने दिए। चलो मेरे राज्य में चलो, अपने हृदय के सिंहासन में तुम्हें महारानी बनाऊंगा। यदि हमारे भाग्य में ससुराल लिखा होता तो हमारे पिता हमें स्त्री की तरह पालते। प्रजा के कल्याण के लिए ही उन्होंने हमें ये जन्म दिया है। पिताश्री का स्वप्न सच होना चाहिए, प्रजा का जीवन सुखी होना चाहिए। सामने वाला तलवार दिखाए तो भी उससे प्रेम करोगी? तुम्हारा अपना कोई जीवन नहीं है, अपने आप से प्रेम नहीं करती तुम? हमसे प्रेम करने के लिए वीरभद्र है ना, बहुत है। इस रुद्रमा देवी और वोरगुल्लू को कोई अलग नहीं कर सकता। मुझे हंसी आती है तुम पर। शाबाश, हर वीर के पीछे जैसे एक स्त्री होती है, तुम जैसी वीर के साथ ये वीरभद्र रहेगा। बोलो क्या करना है? अपनी सेना ले जाके हरिहर और मुरारी देव को दंड दे दूं? सिंहासन पर अभी भी हमारे पिताश्री बैठे हैं, ये बात हमेशा याद रखना। घर के भेदियों के अलावा और भी कई संकट हैं। हमारे काकतीय साम्राज्य को निकलने को तैयार देवगिरी के महादेव पर तुम सामने से जाकर आक्रमण करो। वो सीमा में ना घुस पाए, जाओ। उसकी चीख सुनने को तैयार हो जाओ। प्रभु, इस समय देवगिरी शत्रु से अधिक चचेरे भाइयों के अपराध रोकने होंगे। आपकी ये कोशिश बेकार होगी। राजमहल की सुरंग का रहस्य खुल चुका है और वो महादेव की सेना का राजमार्ग हो गया है। तुमने शत्रु से हाथ मिला लिया। सिंहासन के लिए तो सर तक कट जाते हैं, हाथ मिलाने या पैर पकड़ने में क्या बुराई है? और शिवदेव जी, हमारा असली शत्रु आपका बुद्धि बल है। तलवार भी नहीं उठानी पड़ी, डर से ही मर गए। इस शव को ले जाके मछलियों का आहार बनने के लिए फेंक दो। जो जीतेगा उसी का होगा यह काकतीय साम्राज्य। सिंहासन और सत्ता के मोह में सामंत राजाओं ने एक दूसरे पर ही अपनी तलवारें उठा ली। दूसरी तरफ गौना गन्ना रेड्डी के रूप में भी खतरा मंडरा रहा था और काकतीय साम्राज्य टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने के संकट से जूझने लगा। जिस स्त्री को अबला समझकर प्रजा ने नकारा था, वो नहीं जानती थी कि वही स्त्री अंबा बनकर उनकी रक्षा करेगी। अपने हठ योग से प्राण रोकने वाले महामंत्री शिवदेव ने जब आंखें खोली तो इस कठोर वास्तविकता को देखा। आए तेरे दर पे अब जाग तू मां, तेरे रहते हो रहा संग्राम क्यों मां। काल भैरव यहां कर रहा तांडव, जागो देवी रुद्रमा, देवी मां अब जागो मां।
तुम बचा लो। कर रही नृत्य मां चंडी रूप धार के, दुष्ट दानव ना बचे तू उठा खड़त पाप का संहार कर। कालिका चंडी काल बन के काल का आदक्षेश्वरी रुद्र मां आजा मां रुद्र मां देवी। सिंहासन के लिए लूट मचाने वाले सामंत राजा हमें नहीं चाहिए। प्रजा की रक्षक केवल रुद्रमा देवी ही है, वही हमारी रानी होनी चाहिए। रुद्रमा आप ही हमारे पालनहार हो। ये लो माँ आपका अस्त्र। जय हो रानी रुद्रमा देवी की। जय हो रानी रुद्रमा देवी की। जय हो। प्रभु वो शिवदेव जीवित हैं और वो रुद्रमा देवी महाकाली का रूप बनकर हमसे मतलब आपसे युद्ध करने निकल चुकी हैं। सारी प्रजा भी उनके साथ है। अगर आप जीवित बचे तो दोबारा मिलूंगा। उसने तलवार उठा ली तो हजारों को गाजर मूली की तरह काट डालेगी। कैसे रोकें उस रुद्रमा को? मुरारी, उस रुद्रमा को रोकने वाला होगा परम शत्रु महादेव। सुरंग मार्ग खोलना होगा, उसे महासंग्राम का मार्ग दिखा दो। Thank you.
दीवारों के किले को तो मैंने कुछ और ही समझा था। पत्थर की दीवार तोड़ो तो पत्थर बरसते हैं, वृक्ष जाल पार करो तो अग्नि की वर्षा होती है। क्या बनवाया है, बाप रे, पांचवी दीवार न जाने क्या करे। चिंता मत करिए भ्राताश्री, ये मिट्टी की दीवार है, ऐसे ही ढेर हो जाएगी। मैं रुद्रमा देवी को कैसे रोकता हूँ आप देखिए। कभी खाली नहीं जा सकता। एक स्त्री होकर इतनी वीरता से लड़ रही है, देख के लगता है कहीं हमारे मस्तक न काट दे। रुद्र मां का सामना अब कौन कर पाएगा। तो वो आ गया, रुद्रमा देवी से टक्कर लेने वाला वो बागी गौना गन्ना रेड्डी आ गया। क्षेत्र में इसका ध्वज उतरने वाला है। हमने अपने राज्य तो अलग कर लिए थे, पर अब किसके साथ हाथ मिला है? हम किसी से हाथ मिलाने नहीं आए हैं उपल सोम जी, हम यहाँ देखने आए हैं हर किसी की मृत्यु। गोना गन्ना रेड्डी के हाथों रुद्रमा की, महादेव के हाथों गोना गन्ना रेड्डी की, और हरिहर देव के हाथों महादेव की मृत्यु के बाद जो रह जाएगा उसके सीने में हम तलवार से वार करेंगे। युद्ध में किसी के बलशाली होने से कुछ नहीं होता, आखिरी वार करने वाला ही विजेता होता है, जो हम होंगे। योद्धा है ये, व्यू हो तो ऐसा हो, जरा देखो कैसा गरुड़ व्यू बनाया है। गरुड़ जैसे सांप को दबोचता है, गोना गन्ना रेड्डी की सेना भी रुद्रमा देवी को वैसे ही दबोच रही है।
चंद्रमा देवी की। जब तक मेरी सांस में सांस है, रुद्रमा देवी पर यमराज का साया तक नहीं पड़ने दूंगा। जिस प्रकार श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी थे, वैसे ही इस रुद्रमा देवी का गोना गन्ना रेड्डी कब भक्त बन गया। गन्ना रेड्डी और रुद्रमा मिल गए हैं, हमें श्वेत ध्वज उठा देना चाहिए। चलो फाड़ कर क्या देख रहे हो? रुद्रमा को धोखा दूं या उन पर तलवार उठाऊं, गोना गन्ना रेड्डी ऐसा शत्रु नहीं, काकतीय प्रजा की संपत्ति हूं। इस प्रजा पर अन्याय करने वाले हर सामंत राजा को बाहर रहकर नरक का द्वार दिखाया है मैंने। तुम सब मिलकर बलशाली ना बनो, इसलिए उस दिन मैंने अनामिका का विवाह रोका। कोषागार से अपनी ही संपत्ति लूट लूट कर तुमने इनकी सेना बनने से रोका, इसीलिए मैंने तुमसे वही संपत्ति लूट कर इन्हें वापस कर दी, ताकि बांध बनाने में सहायता हो सके। रुद्रमा देवी की सेना शक्ति बढ़ाने के लिए मैंने अपने ढंग से सबको तैयार किया, बागी की तरह नहीं, रुद्र सेना के योद्धा की तरह। महल के बाहर रुद्रमा के जन्म का रहस्य जानने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं हूँ, और इस रहस्य का भांडा ना फूटे, इसीलिए तुम्हारे साले नागदेव को मारने वाला भी मैं ही हूँ। रुद्रमा देवी के राज घराने का अंत करने वाले तुम्हारे अपराधों से मैंने राज्य को बचाया। बागी कहते हो, पर मैं तुम जैसा खोटा सिक्का नहीं। मैं इस राज्य का उत्तरदायित्व निभाने वाला राज मुद्रा हूँ। तूने इतना बड़ा छल किया, राजद्रोही, कपटी। युद्ध कैसे किया जाए यह शत्रु ही सिखाता है, शास्त्रों का प्रयोग कैसे हो उसका मार्ग शत्रु ही बताता है। तुम्हारे अपराध तुम्हारे पापों का यही समाधान है। काकतीय के पौरुष का वज्र जैसा अटूट रक्षा कवच है यह गोना गन्ना रेड्डी। ओए गन्ना रेड्डी, हर बार तुम छल करके भाग निकलते आए हो। मेरे पिताजी के हाथों तेरे पिता बेमौत मरे थे, अब मैं तुझे मारकर इस अनामिका को दासी बनाऊंगा, उसके बाद उस रुद्रमा को भी बनाऊंगी। बहुत बोलता है। रुद्रमा के हाथों तुम दोनों की मृत्यु लिखी है, इसलिए तुम्हें जीवित छोड़ा। रुद्रमा, इन्हें तुम्हारे हवाले करता हूं। मरण मुहूर्त हमारा नहीं, तुम्हारा है। रुद्रमा, सावधान।
काकतीय साम्राज्य का सबसे बड़ा शत्रु वो देवगिरी का महादेव है। उसे रास्ते से हटाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। किंतु कोई पुरुष पैदा होगा और हमारी रक्षा करेगा जिस काकतीय प्रजा ने ये सपना देखा। वो सपना एक स्त्री भी साकार कर सकती है। इस प्रजा को यह जानना आवश्यक है कि स्त्री का सामर्थ्य कम नहीं, इसलिए रुद्रमा को ही उसे पराजित करना होगा, तभी नया इतिहास बनेगा। हमारे पिताश्री तुम्हारा शव नहीं देखना चाहते, पराजय देखना चाहते हैं। हमारी विजय का बिगुल बजा दो। युवराज रुद्रदेव की आयुकांत तूने किया, रुद्रमा देवी की आयुकांत मैं करूंगा। हमें महादेव की बलि चाहिए, मार दो महादेव को। हमें महादेव की बलि चाहिए, मार दो महादेव को। युद्ध होता है दो सेनाओं के बीच, दो राजाओं के बीच, न कि दो राज्यों की प्रजाओं के बीच। महामंत्री, आज्ञा हो तो इनके धड़ से इनके मस्तक को अभी अलग कर दूं। वीरभद्र, अपमान गणपति देव जी का हुआ था, प्रतिशोध रुद्रमा देवी ही लेंगी। किससे प्रतिशोध लेंगे हम? संपूर्ण भारतीयों से? हम आपस में ही राज्य विस्तार के लिए मरते रहे हैं, परंतु इस देश का क्या? हमारे आपसी बैर को देखकर सिकंदर से लेकर मोहम्मद गजनी तक विदेशी आक्रमण करते आए हैं, हमारी संपत्ति लूटकर अपने घर ले गए हैं। हम सब ने गुलाम सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन भी देखा, और कब तक? इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा क्या? महादेव एक माँ का दूध पीने वाले भाई बहन होते हैं, तो एक नदी का पानी पीने वाले एक दूसरे के भाई बहन नहीं हो सकते? हम सफल हुए क्योंकि हमारी प्रजा में सुख शांति है। क्षमा कर दो रुद्रमा देवी, क्षमा। इतने दिनों तक हमारे पिताश्री को क्षमा ना करके उन्हें अपमानित करते रहे, आज यहाँ सबके सामने हम तुम्हें क्षमा की भीख देते हैं। जय हो रानी रुद्रमा देवी की। महादेव, गिरगिट भी तुम जितने रंग नहीं बदलता। भीख मांगते मांगते थके हुए किसी भिखारी से भी बुरी हालत हो गई है तुम्हारी। बेचारा राजा, तेरी ऐसी की तैसी करूं और इसे भीख में क्षमा दे दी?
ऐसे अपराधी के लिए यही सही दंड है। रुद्रमा, मैं लोगों के साथ रहूंगा, यही रहूंगा, न्याय का साथ दूंगा। हमेशा सिंहासन को नकार कर प्रजा के साथ खड़े हुए हो तुम। जय हो गन्ना रेड्डी। गौन है गन्ना रेड्डी? है मेरी तितली अनामिका, भवरे के साथ उड़ने के लिए तैयार हो? चुप ही रहो ना। मैं कहां कुछ कहता हूँ। स्त्री और पुरुषों के मध्य मात्र एक ही अंतर है, संतान को जन्म देने की क्षमता। परंतु महाविजय प्राप्त करके इतिहास की पुनर्रचना के लिए ये अंतर कोई मायने नहीं रखता। ये बात मार्को पोलो की बातों से स्पष्ट हो गई। पुत्र के ना पैदा होने की वजह से आप जंग में नहीं हारे, अपनी पुत्री को वारिस नहीं स्वीकारने की वजह से हारे। हमारे इटली देश को हिंदू देश ने एक सही रास्ता दिखाया है। काकतीय साम्राज्य के दिखाए इस रास्ते पर हम भी चलेंगे। हमारी पुत्री ही हमारी वारिस है। चीनी देश में आविष्कार किया गया यह कागज इतना अद्भुत नहीं है मार्को पोलो, किंतु इस पर लिखी हुई रुद्रमा देवी की विजय यात्रा अद्भुत है। सैल्यूट टू रानी रुद्रमा देवी। जय हो रानी रुद्रमा देवी।